हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योतिष स्टडी। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ कक्षाचार की घड़ी, जिसका चैप्टर है 14वां और हमारे चैप्टर का नाम है स्मार्ट चार्ट। इसके पहले 13 चैप्टर हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। और आपको बता दूँ, कल जो मेरा जो ये थंबनेल होता है, ये इसमें मैंने 5 का लगा दिया था, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, पर चैप्टर मैंने सही पढ़ाया था। ठीक है, चैप्टर यही है, वो मैं ऊपर जब थंबनेल लगाऊंगी तो वो सही लगाऊंगी, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो चलिए अपनी क्लास जो है वो शुरू कर। तो ये है चैप्टर हमारा, इसमें हमने कहाँ तक पढ़ा दिया था मैं आपको बता देती हूँ। हमने यहाँ तक पढ़ा दिया था, हमको यहाँ से पढ़ाना है खाना, मनपसंद खाना से। कहाँ से? मनपसंद खाना से हमको पढ़ाना है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। बच्चे आपस में बातें कर रहे थे कि वे सुबह कौन सी चीज़ें खाते हैं, जैसे कि चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरे, आज से बनी चीज़ें। तो ये लड़का बोलता है मैं चावल और उससे बनी चीज़ें खाता हूँ। तो ये बोला मैं गेहूं से बनी चपातियाँ खाता हूँ। तो ये लड़की बोली लेकिन मैं बाजरे की रोटी खाती हूँ। तो ये लड़का क्या बोलता है मैं तो जौ से बना सत्तू पीना पसंद करता हूँ। फिर ये बोला मुझे मेरी पसंद रागी से बनी दलिया है। तो सब ने अपनी अपनी पसंद बता रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या करना है, आपको अपनी कक्षा के जो बच्चे हैं उनसे पता करना है कि चावल किसको पसंद है, गेहूं किसको पसंद है, आटा किसको पसंद है, रोटी किसको पसंद है, सब्जी किसको ज़्यादा पसंद है, ओट्स किसको पसंद है, मैगी किसको पसंद है। इस तरीके से आप उनकी संख्या यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, जैसे मान लो चावल जो है 4 लोगों को पसंद है, तो गेहूँ की बनी रोटी 20 लोगों को पसंद है। इस तरीके से आपको यहाँ पे संख्याएं लिखनी है इधर साइड में, और इधर साइड में क्या लिखना है, इधर आपको सब्जियों या चीज़ों के नाम लिखने हैं, भोजन के नाम लिखने हैं, और इधर उनकी संख्या लिखनी है। इस तरीके से आपको अपनी क्लास में ये लिखना है। फिर क्या करना है, फिर ऊपर तालिका को देखो, उस तालिका को देख कर आपको क्या करना है, फिर भोजन जो सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं वो लिखना है यहाँ पर। फिर चावल खाने वाले बच्चों की तुलना में गेहूँ खाने वाले बच्चों की तुलना में बच्चे ज़्यादा हैं कि कम हैं कि बराबर हैं, ये आपको बताना है। फिर उसके बाद क्या करना है, गेहूं खाने वाले बच्चों की तुलना में ज्वार या बाजरा खाने वाले बच्चों की जो है वो कम है कि ज़्यादा है, ये भी आपको बताना है। अब क्या कर रहे हैं बच्चे यहाँ पे, बच्चे जो हैं वो नाटक की तैयारी कर रहे हैं। किसकी तैयारी कर रहे हैं? नाटक की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कक्षा के सभी बच्चे एक नाटक की तैयारी कर रहे हैं। कुछ बच्चे नाटक के अभिनय कर रहे हैं और कुछ नाटक के लिए कपड़ों का इंतजाम कर रहे हैं। कुछ नाटक के सेट के लिए कुर्सियां मेज ला रहे हैं। तो बच्चे जो हैं नाटक के लिए तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि बच्चे यहाँ पे ये अभिनय कर रहा है, ये तैयार हो रहे हैं, तो ये कुछ मेज कुर्सी ला रहे हैं, ये कपड़े सेट कर रहे हैं। इस तरीके से अपना अपना जो है सब काम कर रहे हैं। फिर अभी यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे है नाटक चार्ट। बच्चों की संख्या कितनी है, ये क्या दिखाता है, ये जो ट्रायंगल है, ये जो त्रिभुज है, क्या दिखाता है, ये दिखाता है 3 बच्चों को दिखाता है। तो ये कितने बच्चों को दिखाता है, 3 बच्चों को दिखाता है। तो अभिनय करने वाले कितने बच्चे हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ, फिर आपको अच्छे से क्लियर से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने जूम कर लिया है, उसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, अब सही है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, अभिनय करने वाले बच्चे कितने हैं, ये 1-3 को दिखाता है। तो अभिनय करने वाले बच्चे कितने हो गए, 9 बच्चे हो गए। कपड़े इकट्ठे करने वाले बच्चे कितने हो गए, 3 और 3 6 बच्चे कपड़े इकट्ठे करने वाले हो गए। और संगीत देने वाले बच्चे कितने हैं, 3 3 3 3 मतलब 3 × 12 बच्चे ऐसे हैं जो संगीत दे रहे हैं। और सेट बनाने वाले बच्चे कितने हैं, 3 और 3 6 बच्चे ऐसे हैं जो सेट बना रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हम बता सकते हैं किसमें क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, अब यहाँ पे लिखा है नाटक में कितने बच्चे अभिनय कर रहे हैं। तो नाटक में कितने बच्चे अभिनय कर रहे थे, 9 बच्चे अभिनय कर रहे थे। कौन से बच्चे ज़्यादा हैं, सेट बनाने वाले या अभिनय करने वाले, तो कपड़े इकट्ठे करने सेट बनाने वाले बच्चे ज़्यादा हैं या अभिनय करने वाले बच्चे, तो अभिनय करने वाले बच्चे जो हैं वो ज़्यादा हैं, वो 9 हैं, और सेट बनाने वाले बच्चे 6 हैं। कौन सा काम सबसे ज़्यादा बच्चे कर रहे हैं, तो कपड़े इकट्ठे करने वाला जो काम है, ठीक है, कपड़े इकट्ठे करने वाला जो काम है वो सबसे ज़्यादा बच्चे कर रहे हैं। कितने बच्चे कर रहे हैं, 12 बच्चे कर रहे हैं। और कितने बच्चे
कपड़ों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो 12 बच्चे ही जो हैं कपड़ों को इकट्ठा कर रहे हैं। अब यहाँ पे लिखा है किसका सिर किससे सबसे बड़ा है, तो किसका सिर सबसे बड़ा है इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रद्दी कागज़ की एक लंबी पट्टी काटना है। तो लंबी कागज़ की, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहे हैं, कागज़ की एक लंबी पट्टी काटना है। कैसे काटना है, एक कागज़ लेना है उसकी एक लंबी सी पट्टी काटना है, और एक पट्टी अपने हर दोस्त को दो। एक एक पट्टी क्या करनी है, अपने हर दोस्त को देनी है। अब एक पट्टी क्या करनी है, अपने सिर के चारों ओर तरफ लपेटनी है। क्या करनी है, अपने सिर के चारों ओर लपेट लेनी है, फिर बाकी बची पट्टी जो है वो फाड़ देनी है। पीछे से पता चल जाएगा कि, और उसको चिपका भी देना है, ठीक है। वो गोल गोल हो जाएगी ना अपने आप, मान लो ये आपका सर है, ठीक है। इस तरीके से आपने चारों ओर पट्टी जो है चिपका ली है, ठीक है। और ये हमारी पट्टी कैसी हो जाएगी, गोल गोल हो जाएगी, ठीक है। ये आपने यहाँ पे चिपका दी है, ठीक है। और देखना है कि किसका सर कितना बड़ा है और किसका सर कितना छोटा है, इस तरीके से आपको देखना है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, अब यहाँ पे लिखा है कुछ बच्चे अपने पट्टियों को चिपकाकर इस तरह चार्ट बनाया है। उन्होंने किस तरह से चार्ट बनाया है, जैसे समीना जो है उसका इतना बड़ा सर है, सादिक का इतना बड़ा है, रमेश का इतना बड़ा है, रोहित का इतना बड़ा है, मधु का इतना बड़ा है, तो मधु का सर सबसे बड़ा है। अब यहाँ पे कह रहे तुम्हारा चार्ट भी कुछ इसी तरह से दिखना चाहिए। अब कह रहे हैं ये स्केल का उपयोग करके अपने चार्ट को मालूम करो, तो स्केल का उपयोग करके मतलब आपको इसकी लंबाई भी नापनी है। फिर क्या कह रहे हैं, सबसे लंबे कागज़ की पट्टी की लंबाई कितनी है, तो आपको कागज़ की लंबाई से मतलब स्केल से आपको नापना है और यहाँ पे उसकी लंबाई लिखनी है। फिर इसमें सबसे बड़ा सिर किसका है, तो मधु का जो सर है जो सबसे बड़ा है, ठीक है, यहाँ पे आपको मधु लिख देना है। फिर कह रहे हैं सबसे छोटी कागज़ की पट्टी कितने सेंटीमीटर की है, सबसे छोटी कागज़ की पट्टी जो है कितने सेंटीमीटर की है, वो आपको रोहित वाली जो है वो नापनी है, यहाँ पे लिखना है। या किसका सिर है या रोहित का सिर है, तो आपको यहाँ पे रोहित लिख देना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, चपाती चार्ट। क्या लिखा है, चपाती चार्ट। इसमें क्या है, एक स्कूल के सभी बच्चे अलग अलग गतिविधियाँ कर रहे हैं, जैसे हर बच्चे जो हैं, कुछ बच्चे पौधे लगा रहे हैं, कुछ बच्चे ड्राइंग बना रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो कुछ खेल रहे हैं। किस तरीके से वह हर बच्चे जो हैं अपनी अपनी अलग अलग गतिविधियाँ कर रहे हैं, दिया गया चपाती चार्ट। अलग अलग मंडलियों में बच्चों की संख्या जो है दिखा रहा है, मतलब इतने जो बच्चे हैं बगीचे में क्या कर रहे हैं, बाग बगीचे में मंडली लगा रहे हैं, मतलब बगीचे में काम कर रहे हैं। इतने बच्चे क्या कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं। और इतने बच्चे क्या कर रहे हैं, चित्रकला मंडली बना रहे हैं, मतलब कि ड्राइंग बना रहे हैं। अब आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा है चार्ट से हमें क्या पता चलता है, कक्षा के आधे बच्चे खेल मंडली में भाग लेते हैं, तो कक्षा के आधे बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। एक चौथाई बच्चे, मतलब एक बटे एक चौथाई का मतलब एक बटे चार बच्चा जो है बगीचे में है, और एक चौथाई बटे मतलब एक बटे चार बच्चे क्या कर रहे हैं, ड्राइंग बना रहे हैं, चित्रकला में बना रहे हैं, चित्रकला कर रहे हैं। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है अगर स्कूल में 200 छात्र हैं, तो ऊपर चार्ट को देकर हर मंडली में सदस्यों की संख्या बतानी है। तो खेल मंडली में कितने सदस्य हैं, तो खेल मंडली में कितने सदस्य हैं, आइए यहाँ पे गिन लेते हैं। खेल मंडली में कितने सदस्य हैं, 1 2 3 4 5 6, खेल मंडली में 6 सदस्य हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे हैं, और ड्राइंग में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे हैं, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, खेल मंडली में कितने सदस्य हैं, 6 हैं, और बाग बगीचा मंडली में कितने हैं, 5 हैं, चित्रकला में कितने हैं, 6 हैं, इस तरीके से हम बता सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बारिश में भीगना, जैसे कि बारिश में भीगना किसे पसंद है, तो बारिश में भीगना बहुत लोगों को पसंद होता है। आपको पसंद है तो कमेंट करके बता सकते हो कि आपको बारिश में भीगना पसंद है कि नहीं है। अब आगे क्या लिखा है, अपने दोस्तों से बातचीत करने के बाद एक बच्चे ने नीचे दिया गया चपाती चार्ट बनाया, तो चपाती चार्ट कैसा बनाया है देखते हैं। ये है चपाती चार्ट, जो बारिश में भीगना पसंद करते हैं उनकी संख्या कितनी है, इतनी है, 3/4 इसको कहेंगे। इसके कितने हिस्से हैं, 4 हिस्से हैं। इसके कितने हिस्से हैं, 4 हिस्से हैं। 4 में से कितने हिस्से नहीं हैं, 4 में से कितने हिस्से लिए गए हैं, 1 2 3, 4 में से 3 हिस्से लिए गए हैं, और हिस्से टोटल कितने हैं, 4, मतलब 3/4 लोगों को भीगना पसंद है। और
अब इसकी बात करते हैं कितने को भीगना नहीं पसंद है। हमारे टोटल हिस्से कितने थे, चार हिस्से थे, चार में से एक को भीगना पसंद है। और टोटल हिस्से कितने हैं, तो एक बटे चार को भीगना नहीं पसंद है। इस तरीके से हम ये बता सकते हैं। अब यहाँ पे करें चपाती चाट को देखो और बताओ, तो क्या बताना है, कितने बच्चे बारिश में भीगना पसंद करते हैं। तो कितने बच्चे बारिश में भीगना पसंद करते हैं, तीन चौथाई था, तीन बटे चार था, इसको हम तीन चौथाई कहते हैं। तीन चौथाई बच्चों को बारिश में भीगना पसंद है। अब कह रहे कितने बच्चे बारिश में भीगना नहीं पसंद करते, तो एक चौथाई बोला था, तो एक बटे चार बोला था, एक चौथाई यहाँ पे लिखा है, तो एक चौथाई बच्चों को बारिश में भीगना नहीं पसंद है। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है अगर कक्षा में बच्चों की संख्या 28 हो तो उन बच्चों की संख्या बताओ जो बारिश में भीगना पसंद है। तो 28 है बच्चों की संख्या, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं जिनको भीगना पसंद है, तो हमें क्या करना है, तीन बटे चार कर देना है। चार सत्ते 28 होता है, सात बार में चला गया, और तीन गुणे सात कर दो, ठीक है, तो सातियाँ 21 हो जाएगा। तो 28 में से 21 बच्चे जो हैं जिनको भीगना पसंद है, अब 28 में से 21 घटा दो तो हमारा क्या आ जाएगा, सात आ जाएगा। तो सात बच्चे ऐसे हैं जिनको भीगना नहीं पसंद है। आगे चलते हैं, आगे है लिखा है दूध चाय कॉफ़ी, चाय कॉफ़ी या दूध। बच्चों से पूछा गया कि उन्हें सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, चाय कॉफ़ी या दूध। तो दूध पीने वाले बच्चे जो हैं उन्होंने कहा कि 20 बच्चे जो हैं जिनको दूध पीना पसंद है, कॉफ़ी पीने वाले बच्चे उनको वो 10 हैं, चाय पीने वाले बच्चे भी 10 हैं। तो इस तरीके से ये क्या कह रहे हैं, कुल बच्चे कितने हो गए, 20 + 10 + 10, तो कितने बच्चे हो गए, 40 बच्चे हो गए। कितने बच्चे हो गए, 40 बच्चे हो गए। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है तालिका के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दो। दूध पसंद करने वाले बच्चों की कुल संख्या 1/4 है या 1/2 है। तो हम जैसे कि क्या बता रहे थे, टोटल बच्चे कितने थे, टोटल बच्चे हमारे कितने थे, 40 थे, ठीक है, कितने थे, 40 थे। 40 के कितने हिस्से कर दें, चार हिस्से कर दें, 10 10 10 10, ठीक है। तो 1/2, ये सारे 1/4 हिस्से हैं, चार हिस्से किए ना, ये सारे 1/4 हैं। तो दूध पीने की बात हो रही है, तो दूध पीने वाले आधे बच्चे हैं, तो 1/2, आधे को क्या कहते हैं, 1/2 कहते हैं। तो मतलब हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, दूध पीने वाले बच्चे कितने हैं, 1/2, ये वाला जो है कट हो जाएगा। कॉफ़ी पसंद करने वाले कितने बच्चे हैं, 10 है ना, तो 10 को हमने क्या बोला था, 1/4 बोला था। तो मतलब हमारा ये वाला आंसर सही हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। ऐसे ही एक चपाती चाट बनाकर चाय कॉफ़ी दूध पसंद करने वाले बच्चों को दर्शाना है। तो ऐसे ही आपको कुछ काफ़ी और आपको क्या करना है, चपाती चाय बनाना है, अपने दोस्तों से पूछना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ, आपकी पूरी गणित जो है कक्षा 4 की गणित पूरी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, तो पसंद आई होगी तो लाइक करना। और तो आज का क्वेश्चन क्या है, ये आज का क्वेश्चन ये है, 20 में जब हम 15 घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा। तो आपको ये कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में ये 20 में से 15 घटाएंगे तो क्या बचेगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में करना है इसका आंसर। अब आ रही है हमारी गुरुदक्षिणा, अब बारी है हमारी गुरु दक्षिणा की। तो गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, ठीक है। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो झट से कर लीजिए। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, शेयर करते रहते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उनको थैंक यू, आप भी कर लीजिए। और हम और आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स आते रहते हैं उसके लिए भी थैंक यू। और गुरु दक्षिणा जो है आप हमारी डेली प्रॉपर तरीके से डेली रोज़ के रोज़ जैसे क्लास देखते हैं, तो हमारे चैनल को डेली की डेली शेयर भी करते रहिए रहा करिए। और आप कहाँ शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, कहीं भी आप शेयर कर सकते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हो, किसी को भी शेयर कर सकते हो जो कक्षा 1 से लेकर 12 तक की क्लास में पढ़ता हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास की जो भी वीडियो या इसी में पड़ी हुई है, आपके सारे सब्जेक्ट की वीडियो पड़ी हैं, सारी जो क्लास है जहाँ आपको कहाँ मिलेंगी मैं आपको अभी दिखा दे। तो क्या करेंगे आप मोबाइल में, यहाँ पे जोजस डालेंगे, JOJAS जोजस डालेंगे, जोजस स्टडी सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। जोजस स्टडी जब आ जाएगा तो हमारा आपका ये जो चैनल है वो आ जाएगा खुल के। इस पर आप टच करेंगे, टच करने के बाद आप जो हमारा चैनल जो ओपन हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है
ये जो ऑप्शन है प्लेलिस्ट वाला, इस पे आप जाएंगे, ठीक है। तो प्लेलिस्ट ऑप्शन पे आप टच करेंगे तो हमारी चैनल पे जितनी भी जो हैं वीडियोस प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप नीचे करेंगे, ये आप 30 और नीचे करते जाएंगे तो आपको जो भी सब्जेक्ट की, जिस भी सब्जेक्ट की क्लासेस जो हैं वो आपको हर तरीके की क्लासेस कक्षा 3 की 4 की 5 की 8 की 9 की 10 की 11 की सारी क्लासेस जो हैं मिल जाएंगी आप। और दूसरी बात ये, जब आप चैनल पे जाएंगे तो चैनल पे हम आपको हमारे 3 और चैनल मिल जाएंगे। पहला है जोजस किड्स मस्ती, दूसरा है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, तीसरा है जोजस क्राफ्ट। आपको बता दें इन चैनल्स में क्या है, दूसरा जो चैनल है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, इसमें आप सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी ज्वेलरीज बना सकते हो, वो भी घर बैठे बहुत ही आसानी तरीके से, जैसे कि मैं आपको वीडियो जो हैं कुछ दिखा देती हूँ, ठीक है। लास्ट वीडियो है तो आप देख सकते हो, ये आप ओपन हो जाएं तो आप देख सकते हो ये प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर ज्वेलरी जो हैं वो मैंने खुद अपने घर में खुद अपने हाथों से बहुत ही मतलब कि मेहनत से बहुत ही अच्छे से बहुत ही कम टाइम में बनाई हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे विजिट ज़रूर करिएगा, ठीक है। बहुत ही सुंदर सुंदर तरीके से बनी हुई हैं, तो फिर हमारे चैनल पर विजिट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बाकी 2 चैनल हैं उन पर भी विजिट करिएगा, आप देख सकते हैं बहुत ही तरीके की बहुत सारी ज्वेलरी बनी हुई है, बहुत सारी हैं, ठीक है। हर तरीके की ज्वेलरी है और देख सकते हैं आप, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।